हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन सर पर। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं हम स्टडी विद धीरेन सर। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा था, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कि सर एक्चुअली यूपी ट्रिपल एससी, जिसे आप मतलब अगर मैं नाम बोलता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, जिसे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सुस्त चयन आयोग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सुस्त चयन आयोग में दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं सर, आप इस पर एक वीडियो बनाइए। और बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में आपके हमारे बीच के ही कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक इनिशिएट किया है, एक पहल किया है, और पहल ये किया है कि ग्रुप बना रहे हैं वो लोग, और लोग यूपी ट्रिपल एससी के मतलब एक जो इनकी जो कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ, मतलब बिल्कुल बहुत ही गंदी, बहुत ही भ्रष्ट, बहुत ही करप्ट जो है इनका सिस्टम है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो आप लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी जो है उसका हिस्सा बने। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट ना भी हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इसका हिस्सा बनना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। दोस्तों एक्चुअली ये बात यहाँ पर निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश में जो आयोग है, सबसे भ्रष्ट आयोग उत्तर प्रदेश का एक्चुअली, वो यूपी ट्रिपल एससी है। ये किसी से छिपा नहीं है, सबको पता है कि एक एक वैकेंसी यानी कि एक भर्ती पूरा कराने में लोग 10-10 साल लगा देते हैं। अगर मैं हो सकता है मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 12 साल भी अगर बोलो आप तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी 2014-2015 की बहुत सारी वैकेंसीज इसका इंटरव्यू होना है और अभी तक कोई उसका अपडेट नहीं है, और कहीं जाके मतलब बच्चे परेशान हैं लगातार, वहाँ पे आयोग के जो सचिव जी हैं उनसे मिलने जाते हैं तो लोग मिलते भी नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो कोई खास रिस्पॉन्स उनका खैर नहीं होता है। तो मेरा तो एक एस्पिरेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर के हमारे साथ में बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने कहा सर एक बार आप जो है थोड़ा इनिशिएट करिए, थोड़ा पहल करिए, और थोड़ा एक वीडियो बनाइए, और लोगों से आप जो है आग्रह करिए, रिक्वेस्ट करिए कि लोग इस पर भी जो है अपना एक मतलब एकत्रित होकर एक मत से, मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नहीं, एक मत से जाकर और अपनी बात रखें। और बात ये रखनी है कि आखिर में जब IBPS या SSC, आपने देखा होगा IBPS एग्जाम बैंक का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और SSC की बात करें CGL CHSL का एग्जाम होता है, एक पूरा एक उनका समय सीमा तय होता है, निर्धारित होता है, भैया ये आपका अभी जैसे SSC CGL का फॉर्म आया है अभी, है ना, और इसमें हो गया कि आप दिसंबर तक ये टायर 2 करा देंगे, पूरा डेट दिया है कि सितंबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उससे पहले फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर दिसंबर में आपका मतलब प्रीलिम्स में टायर 1, फिर आपका टायर 2 हो जाएगा। ऐसे IBPS का पूरा कैलेंडर आया हुआ है कि 2025 जनवरी 25 तक IBPS का RRB का जो कैलेंडर आया हुआ है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, हर बार उनका कैलेंडर आता है, पूरे कैलेंडर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। अब यूपी ट्रिपल एससी, ऐसे मुझे याद है कि दो तीन साल पहले भी यूपी ट्रिपल एससी ने ना कैलेंडर रिलीज किया था, लेकिन वो कैलेंडर किसी मतलब का नहीं, क्योंकि उसको एक भी जो उसमें लगातार जो नंबर ऑफ विज्ञप्तियां थी, मतलब एडवर्टीजमेंट जो भी वैकेंसीज थी, उसका फॉलो भी नहीं किया गया। मुझे याद है एक भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, एक भी पालन नहीं किया, हालांकि कैलेंडर तो मतलब ये नहीं कैलेंडर, चलो आप एस्पिरेंट गए, वहाँ भीड़ गई, लोग गए साथ में और लोगों ने दबाव बनाया, तो चलो ठीक है कैलेंडर रिलीज कर देते, ऐसा नहीं हुआ, काम चलने वाला है अब, वो सब समय गया। मतलब कैलेंडर आप रिलीज करो और उसका एक कैलेंडर रिलीज करने का पालन करो आप उसे, मतलब ये डिसाइड करो भैया ये इस कोई जैसे मान लीजिए ऑडिटर की वैकेंसी फॉर्म आया तो आप बताओ तो कि इसका एडमिट कार्ड जो है या रिलीज होगा इस एक हफ्ते पहले, फिर इनका एग्जाम होगा, पूरा एक समय सीमा आप तय कर दो, निर्धारित कर दो, ताकि जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनको एक आस जगे, चलो हाँ यूपी ट्रिपल एससी अब सुधर गया है और जो है अब एग्जाम जो है समय पे होगा और ज्वाइनिंग भी समय पे करा देगा। इसका नाम यूपी ट्रिपल एससी सुधार अभियान लोगों ने स्टार्ट किया है, और हम बहुत सारे लोगों ने मैसेज मुझे किया कि सर आप जो है एक इस पर सेशन लीजिए और लोगों से रिक्वेस्ट करिए, लोग जुड़ें जो तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए साथ जुड़ें और एक साथ में आवाज़ उठाएं, ताकि हम लोगों की बात सुनी जाए और कंसिडर किया जाए, मतलब सुनी ही ना जाए, कंसिडर भी किया जाए, इस पर काम हो, और कोई गलत भी नहीं है ये भाई, गलत क्या है बताओ मुझे आप, इसमें गलत क्या है? अरे भाई अगर बात हो रही है यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर रिलीज करने की और कैलेंडर को पालन करने के लिए, तो इसमें गलत ही क्या है? आप तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक अच्छे, जो आपकी छवि इतनी गंदी हुई है, खराब हुई है, भ्रष्ट की, करप्ट की, तो वो सुधर जाएगी। तो सुधार अगर आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाओगे तो जाहिर सी बात है आपका भी जो छवि है ना, वो भी बहुत अच्छे से लोगों के सामने आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही मांग, यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर जारी करें और उसका पालन करें, ये मांग है। और दोस्तों एक मैसेज यहाँ पे जो सर्कुलेट हो रहा, जो मेरे पास आया है, ये मैसेज किसी ने भेजा था, मैंने कहा चलो मैं डिस्कस कर लूँगा। देखो जैसे यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट किया गया, यूपी के सभी युवा बेरोजगार भाइयों बहनों से अनुरोध है, हम सभी, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस पर, आप
हम सभी यूपी ट्रिपल एससी की सुस्त चयन प्रणाली की रवैये से अच्छी तरह से मतलब जानकारी उस है, बहुत अच्छे से अवेयर हैं, बुजुर्ग की जो चयन प्रक्रिया है उसे बहुत अच्छे से हम लोग अवेयर हैं कि पिछले कई सालों से अब तक यूपी ट्रिपल एससी विभिन्न विभागों के 32 विज्ञापन जारी किया है जिसमें 34,470 पद हैं और इनका कोई एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, कब तक होगा कब तक नहीं होगा। आयोग की इस सुस्त चयन रवैये से सभी छात्र परेशान हैं और सभी यूपी ट्रिपल एससी छात्रों का सरकार से मांग है कि यूपी ट्रिपल एससी अब तक विज्ञापित हो चुके सभी अलग अलग पदों वाली वैकेंसीज का एग्जाम कैलेंडर जारी करे और एक तय समय सीमा के अंदर एग्जाम हो और परिणाम आए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी कराएं जिससे 34,470 परिवारों के घरों में खुशियां आए। अतः सभी छात्र छात्राओं से जिन्होंने किसी भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज का फॉर्म भरा है वह सभी यूपी ट्रिपल एससी सुधार अभियान @UPSSC_reform ग्रुप से जुड़े, साथ आए मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। यह आपके सामने टेलीग्राम का नाम दिया हुआ है, धन्यवाद समस्त बेरोजगार UPSSC छात्र और छात्राएं, मतलब ये मैंने बताया तो चूंकि किसी ने मुझे भेजा का सर एक सेशन आप ले लीजिए चूंकि आपके साथ बहुत सारे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं जुड़े हुए हैं, चूंकि हमारा काम भी वही है पठन पाठन का हम लोगों का, ठीक है। तो भाई सही है, अच्छा भी है, कई लोगों ने जो है मुझे भी ऐड कर दिया उस ग्रुप में, मैंने देखा तो मैंने कहा बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है ठीक है, बेहतर है और आपको साथ में आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और जब एक आवाज़ में हम लोग जाएंगे और एक मात्रा हम लोगों की, मतलब एक होता नहीं कि भीड़ रहेगी और हम लोग अपनी बात जेन्युइन है यार, इसमें कोई गलत भी तो नहीं है भाई, इसमें गलत क्या है आप बताइए। मैं बार बार भी कहता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिक्स कोई राजनीति की बात तो है नहीं कि हम लोग नेता बनने जा रहे हैं, हमें इलेक्शन लड़ना है चुनाव लड़ना है कि हम UPSSC के नेता बनेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। वो गलत कर रहे हैं तो गलत भाई, देखो सीधी सी बात है कि अगर गलत हो रहा है तो चुपचाप सहना भी तो एक प्रकार से गलत ही है ना। वो गलत कर रहे हैं, गलत तो लगातार काफ़ी टाइम से कर, हालांकि पहले होना चाहिए था, जो अभी हो रहा है ये होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, अच्छे लेवल पे होना चाहिए। मैं तो कहूँगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो वो छोटे से, वो तो तुच्छ प्राणी है, मतलब हमारा चैनल बहुत छोटा सा चैनल है, हमारा चैनल जो है स्टडी विद धीरेन्द्र सर बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बड़े बड़े चैनल वाले हैं जो कोर्स बेचते हैं अच्छा खासा, मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं अच्छा खासा कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, वो लोग इस पर पहल करें। और वो लोग चूंकि उनके पास भीड़ है, भाई मेरे पास तो उतना भीड़ है नहीं, मैंने कहा ना छोटा सा व्यक्ति मैं, छोटा सा चैनल हमारा, ठीक है, तो जहां तक मेरी बात पहुंच पाएगी वहां पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं वो काम कर रहा हूं बेहतर से बेहतर करने का काम कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तव में होना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग साथ दीजिए, है ना, आप लोग बिल्कुल साथ दीजिए दोस्तों, ये UPSSC सुधार अभियान जो है इससे इसके साथ आप लोग जुड़ें और आप लोग जो है जो आपके दोस्त भाइयों जो भी आपके बड़े भाई हैं जो भी लोग इसमें पहल कर रहे हैं उनका आप बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट करें, साथ दें आप, ठीक है। तो इसी के साथ अभी मैं सेशन को यहाँ पे एंड करूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आप लोग अधिक से अधिक, अगर मैंने बोला नहीं अभी तक, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये सेशन लगता हो या जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे चैनल पे क्लासेस चलती हैं, अगर अच्छा आपको लगता हो तो आप सब्सक्राइब तभी करें और ना लगता हो तो सब्सक्राइब ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे अपडेट देते रहते हैं, एक मतलब जेन्युइन कह सकते हो, ऑथेंटिक कह सकते हो आप, ठीक है जी, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो शेयर करें, शेयर इसलिए करें आप ताकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं उन तक पहुंचे, ये बात पहुंचे, मेन मुद्दा बस यही है कि UPSSC तक हमारी बात ये पहुंचनी चाहिए और UPSSC को ये मानना पड़ेगा कि हमको एक कैलेंडर जारी करना है UPSSC को, है ना, और कैलेंडर में सारी वैकेंसीज का पूरा है कि वैकेंसीज कब कब होगी और पालन करना है, बस इतनी सी बात है, और ताकि जो पेंडिंग वैकेंसी जल्द से जल्द पूरा हो और सबको जॉब मिले नौकरी मिले और ये इसको अब आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा UPSSC को, जैसे IBPS SSC कैलेंडर रिलीज करता है अपना, वैसे ही कैलेंडर इसको रिलीज करके उस पर काम करना पड़ेगा, तभी एक स्वच्छ और एक अच्छा और एक बेहतर आयोग भी बन पाएगा और उसमें काम करने वाले सभी लोग जो है अच्छे में कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज मेरी नज़र में तो भ्रष्ट है सब, करप्ट है मेरी नज़र में तो, और आपके नज़र में क्या, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, नमस्कार, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा हाँ एक बात, अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, 8299380784, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आपके भाइयों जो भी आपके बड़े भाई जो भी आपके फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो लोग ये पहल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा, ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।